मदार यार्ड में अजमेर सियालदह ट्रेन को मेंटेनेंस के लिए ले जाते समय चार खाली डब्बे पटरी से उतर गए। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और पटरी से उतरे डिब्बों को फिर से पटरी पर लाया गया। रेल के डिब्बे खाली थे, इस कारण कोई जनहानि नहीं हुई और न ही किसी तरह का नुकसान हुआ है। कुछ देर के लिए रेल यातायात प्रभावित हुआ था, लेकिन पुनः सुचारू कर दिया गया। गाड़ियों के संचालन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। हादसे के बारे में जाँच की जा रही है। आज दिनांक 25 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे सूचना मिली कि गाड़ी संख्या 12988 का खाली रेक, जो कि मेंटेनेंस के लिए अजमेर के पास मदार यार्ड में जा रहा था, इसके चार डब्बों का अवपथन हो गया। घटना का सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी त्वरित कार्रवाई की और वो घटनास्थल पर पहुंचे। रेलमेंट का कार्य भी शुरू हो गया है और चूंकि ये खाली रेक था इसलिए कोई भी जनहानि नहीं हुई, कोई भी माल की क्षति नहीं हुई है और घटना के कारणों की जाँच भी की जा रही है। रेलमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है। वहाँ पर हमने टेम्परेरी सिंगल लाइन की व्यवस्था भी कर दी है, इसलिए कोई भी गाड़ियों का संचालन भी प्रभावित नहीं हुआ है। सुरक्षा को लेकर के उत्तर पश्चिम रेलवे कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है और हमारा पूरा प्रयास है कि इन सब घटनाओं पर हम नियंत्रण करके यात्रियों को एक संरक्षित एवं सुरक्षित